ओम शांति। दिल वाले बाबा कहते हैं, जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के वह एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाबा को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूरिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। बाबा का हमें वरदान भी है, सच्ची दिल से बाबा को राजी करके सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। तो चलिए बाबा के इस वरदान का स्वरूप बने। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने सत्य स्वरूप को देखें। दिव्य प्रकाश से जगमगाता हुआ मैं एक तारा हूं। मैं चैतन्य हूं। मैं सत हूं। सत्य भी हूं तो अविनाशी भी हूं। अपने सत स्वरूप में स्थित होकर, अपने सत्य पिता शिव परमात्मा को सच्ची दिल से याद करें। मन ही मन बाबा से बातें करें। ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, मैं जो हूं जैसा हूं आपके सामने हूं। मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं। बाबा से स्नेह से रूहरियान करते हुए बाबा को सच्चे दिल से अपना पोता मेल दे, अपना चार्ट दे।
अगर अपने से कोई मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, अपने से कोई गलती हुई हो, तो उस गलती को सच्चे दिल से बाबा के सामने रखे बाबा से स्नेह की रूह रिहान करते अपनी दिल की बातें बाबा से शेयर करें। किसी बात से दिल भारी है तो जो भी बात हो बाबा को सौंप दे और हल्का हो जाए। योग की शक्ति से अब पिछला खाता समाप्त। सच्चे दिल पर बाबा राजी है। बाबा से स्नेह की रूरिहान करते समीपता का अनुभव करे। सच्ची दिल से मैंने दिलाराम बाबा को राजी कर लिया है। सच्चे दिल पर बाबा राजी है।
वरदाता बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, सर्वशक्ति संपन्न भव। सदा राजयुक्त भव। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे स्वयं के संस्कारों के राज को जानना, एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। वरदाता बाबा से वरदान प्राप्त कर लिया, अब पुराने संस्कारों का नामो निशान नहीं। सबके संस्कारों को जानकर, सबके साथ संस्कार मिलाकर चलने वाला, सबके साथ राजी रहने वाला मैं राजयुक्त आत्मा हूं। ड्रामा के राज को जानकर मैं हर परिस्थिति में राजी हूं, खुश हूं। मैं राजयुक्त हूं। सच्ची दिल से बाबा को राजी करने वाला मैं राजयुक्त आत्मा हूं। ओम शांति।